ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं मिलाज़मा के बारे में। मिलाज़मा या क्लोएज़मा भी बोलते हैं इसको, ये दोनों साइंटिफिक टेक्निकल वर्ड हैं और हिंदी में बोलते हैं झाई हो गई। यहाँ पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी आते हैं और ये किस वजह से होती हैं? ये होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं और इनका लेवल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना शुरू होता है, या फिर आप कोई हार्मोन्स की टैबलेट लेते हो जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ मिक्स हो तो उस दौरान भी आपका हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और उस वजह से यहाँ पर उन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। पिगमेंटेशन होता है अल्ट्रावायलेट रेस से, धूप से, और वजह होती है अंदर का हार्मोनल चेंजेस। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में शुरू होता है या हार्मोन्स की प्रॉब्लम में शुरू होता है। इसे ठीक करने का क्या तरीका है? कुछ ऐसी टैबलेट्स होनी चाहिए जो अंदर से कलर बनने की स्पीड को रोक दें, कुछ ऐसी टैबलेट्स होनी चाहिए जो इंटरनल सनस्क्रीन का काम करें, हम खाएं और धूप का हमें नुकसान न हो, कुछ ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए जो ऊपर से स्किन की लेयर पील ऑफ करें ताकि जो जमा हुआ है वो हट जाए, और एक बेहतरीन चीज़ हम लोग करते हैं जिसे पीलिंग बोलते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हम लोग फेस पर लगाते हैं कि लेयर्स जल्दी चेंज होना शुरू होती है, नई स्किन जल्दी आना शुरू होती है, और यही काम दवाओं से भी होता है और लेज़र पीलिंग भी होती है, लेज़र से भी होता है। तो हमें अंदर से कलर बनने की स्पीड रोकनी है और हमें कुछ ऐसा करना है कि जो स्किन जमी हुई है वो ऊपर की लेयर हट जाए और साफ़ हो जाए। तो आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जिससे मिलाज़मा ठीक हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें अंदर से हार्मोन्स के गड़बड़ होने की एक प्रकृति रहती है, टेंडेंसी रहती है, उसे ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म कुछ टैबलेट्स लेना पड़ता है, ठीक होने के बाद भी आपको कुछ महीने तक खाते रहना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपकी स्किन धूप और अल्ट्रावायलेट रेस के प्रति सेंसिटिव है तो आपको एक बढ़िया सनस्क्रीन लगातार लगाना पड़ेगा, या फिर अपना कुछ रूटीन चेंज करना पड़ेगा, शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा कि आपको धूप और अल्ट्रावायलेट रेस से कम डैमेज हो। तो अगर आपको मिलाज़मा की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में विज़िट कीजिए, हम लोग बताएंगे कैसे ठीक होता है।